मैं आपको हमेशा आगाह करता हूँ कि आप ऐसे लोगों से बचें जो आपको केवल गलत मार्ग पर ले जाते हैं, और ट्रेडिंग तो मतलब कि वो ट्रेडिंग करते नहीं हैं पर आपको बताते हैं ऐसे कि वाह क्या ट्रेडिंग क्या होती है, या फिर आपको गलत कॉल्स देते हैं, टिप प्रोवाइडर होते हैं, या फिर गलत अकाउंट हैंडलिंग वाले होते हैं जो आपको आप स्कैम करके फंसा देते हैं। स्कैम कैसे, वो आपका अकाउंट जीरो कर देते हैं, या फिर आपको उल्टी सीधे कॉल लेते हैं और उसमें आप फंस जाते हैं, अपना लॉस करवा बैठते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर जिसको ट्रेडिंग आती है, सपोज़ कि आपको कोई भाई है, दोस्त, आपका दोस्त है कोई जिसका नाम महेश है, महेश को ट्रेडिंग करनी नहीं आती है पर वो आपको बता जा रहा है ट्रेडिंग के बारे में, कुछ भी बता रहा है, तो आप कहोगे भाई तूने कभी ट्रेडिंग की है, जो तुम्हें वो बता रहा है। पर वहीं अगर उसने अपना डिजिटल मार्केटिंग का या फिर अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर रखा है तो वो उसी बात को ऐसे बताएगा कि आपको खुद लग जाएगा कि हाँ इसको ट्रेडिंग करनी आती है और जो ये बता रहा है वो 100% सही होगा। तो ऐसे आप फंसते हैं। ऐसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको केवल और केवल गलत जानकारी देते हैं। गलत जानकारी से सेंस क्या है कि वो आपको स्ट्रेटजी बताते हैं और ये बताते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है आज का, इससे आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं होगा। तो मेरे को उससे दिक्कत है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और लाइव मार्केट एनालिसिस करते हैं या मार्केट एनालिसिस करते हैं और आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, तो उन पर एक बार का विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो अपना एनालिसिस खुद करके दिखा रहा है, हिम्मत कर रहा है कि वो आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% सही होंगे, जैसे कि हर इंसान में होता है कि आपको जो दिखता है उसको आपको परखना पड़ता है तब आप उस पर विश्वास करते हैं, ये बात तो अलग हो गई। पर जो लोग ट्रेडिंग करते ही नहीं हैं और वो ज्ञान पर ज्ञान पे ले जा रहे हैं, किताबी ज्ञान दे जा रहे हैं, तो उनसे तो डील बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, आँख बंद उनको परखने का मौका भी नहीं देना चाहिए। वैसे ये बातें आपको लग रहा होगा कि काफ़ी रूड बोल रहा हूँ मैं, रूड मैं इसलिए ही बन रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अलर्ट करता रहता हूँ बार बार। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने ऐसा जिक्र किया भी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं भी, मैं इनकी वीडियो भी देख ही रहा था सबकी कि ये कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड क्या, फ्रॉड तो नहीं कह सकते सीधे तौर पे, पर ये अनडायरेक्टली आपका ब्रेन ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि मेरे चैनल पर 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, फ्रॉड ग्रुप इन शेयर मार्केट, तो ये आपको स्कैम करते हैं, टिप्स एंड कॉल लेते हैं या फिर अकाउंट हैंडलिंग करते हैं और आपको लॉस करवाते हैं। उसी सीरीज में ये वीडियो होने वाली है, पर ये आपके साथ डायरेक्ट फ्रॉड नहीं करते, ना आपको कोई कॉल देते, ना अकाउंट हैंडलिंग के लिए कुछ ऑफर देते, ये केवल आपको एक कोर्स बेचते हैं अपना कि कैसे पर्सनलिटी डेवलपमेंट करें, या फिर स्टॉक मार्केट की बेसिक थ्योरी क्या होती है, या फिर ट्रेडिंग क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे कोर्स इन पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ, यूट्यूब खोल रखा है मैंने और मैं देखता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे जिनमें से एक है नीरज जोशी, इनके 21 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे और मेरे को लगता है कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे होंगे, हाँ इनके सब पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, और साथ में एक लिंक दे रखा है फ्री एंजल डीमेट का। यही टेक्निक होती है आपका, बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छा ज्ञान देना और आपको ऐसे फील करवाना कि इनसे बढ़िया ट्रेडर कोई ही होगा, और फिर आपको लिंक पे क्लिक करवाते हैं और या फिर कोई कोर्स सेल करते हैं। ये इनकी टेक्निक है, ये है डिजिटल मार्केटिंग वाले। आइए देखते हैं, कराइए ये ऐसे करते रहते हैं, तो इनसे आपको बचना होता है। हो सकता है कि आपके ये फेवरेट हों, मेरे भी फेवरेट हैं, पर हर सेक्टर में हर बंदा अच्छा नहीं हो सकता। मैं ट्रेडिंग के बारे में अच्छी बात आपको बता सकता हूँ, पर साइंस के बारे में शायद उतना अच्छा ना बता पाऊँ। मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में अच्छा बता पाऊँगा, पर हो सकता है कि मैं कुकिंग में अच्छा ना हूँ। तो हर सेक्टर में हर बंदा अच्छा नहीं होता है, वैसे ही मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या फिर कोई किताबी ज्ञान देने में एज अ टीचर आप बहुत बढ़िया होंगे, पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग के बारे में बताना ये तो गलत बातें ना सर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इनका चैनल देख लेता हूँ एक बार, वीडियोस देखो, मतलब कि आपको इनके चैनल पे वीडियो एक भी नहीं मिलने की जिसके अंदर इन्होंने लाइव ट्रेडिंग कर रखी हो, ये बात आप मुझसे लिख के ले लो, लिख के। हम जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपना मार्केट एनालिसिस देता हूँ, उसके बाद उसके अंदर
आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखो ऐसे ट्रेड ली थी, ये सपोर्ट टूटा, मैंने इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट बाई किया और मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। इनका लॉस दिखाना छोड़ो, प्रॉफिट तक नहीं, कुछ होता ही नहीं, इनका ट्रेडिंग करते ही नहीं है ये, तब मैं कैसे इन पर विश्वास कर लूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर विश्वास कर लूँ। जैसे कि सारे वीडियो के सारे यही हैं कि क्रैश कब आने वाला है, 15 बेस्ट स्टॉक जो आपको करोड़पति बना देंगे, एक बार 1 लाख इन्वेस्ट कर दो 84,000 रुपये मिल जाएंगे। ये बातें किताबी ज्ञान में अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपका ध्यान अट्रैक्ट होता ही है, ये आपका इनडायरेक्टली माइंड ख़राब कर रहे हैं। चलिए ये तो एक चैनल के बाद बताई मैंने अभी, और देखते हैं कि रियल ट्रेडर फेक ट्रेडर कौन कौन से होते हैं। ये बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, ये बूमिंग बुल्स चैनल हैं, ये पावर और स्टॉक्स हैं, ये बड़े बड़े चैनल्स हैं, इनके अपने अपने महंगे महंगे कोर्स भी हैं, चाहो तो भाई खरीद सकते हो। पर बात आती है रियल ट्रेडर, हाँ ये रियल ट्रेडर हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे बताते हैं, साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं और मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, तीनों चीज़ करते हैं, तो जाके इनको आप परख सकते हैं। आपको हर इंसान को परखना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि रियल ट्रेडर है तो मतलब कि आप उस पर विश्वास कर लो, नहीं। अगर मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ, तो आप जाके देखिए कि मैं क्या मार्केट एनालिसिस करता हूँ, क्या मैं साइकोलॉजी पर बात करता हूँ, क्या मैं लॉस प्रॉफिट बात करता हूँ, दिखाता हूँ ही नहीं, दिखाते बात करता हूँ बस। तो आप देखिए, आपको मिल ही जाएंगे वीडियो, पर क्या मेरे पे आँख बंद करके विश्वास कर लेंगे? जी नहीं। अगर आपको मेरी बोली अच्छी लगती है, मेरा बिहेव अच्छा लगता है, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है, ऐसे करेक्टर आपको, मेरा बिहेव मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है, तो आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। पर अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप विश्वास मत करें। जैसे कि ये बड़े बड़े चैलेंज हैं, इन पर भी आप देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो देखिए, अदरवाइज लिव इट। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर बिगनर्स, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग करता है उसको वही तो बता सकता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। अगर मैं देखूँ इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, हाउ टू प्लेस ट्रेलिंग ऑर्डर। ओके देखते हैं एक बार, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। डू यू वांट टू नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट? वी इंडियंस नॉर्मली इन्वेस्ट, एक तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, वही कोर्स बेचते हैं, फ्री ट्रेडिंग के नाम पे आपको फिर कहेंगे कि 3 रुपये दे दो, वो हमसे कोर्स ले लो बस। अब मैं देखता हूँ क्या दिखाते हैं ये। अब हम समझने के लिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आपने किसी लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, इसी प्रकार अगर आपने किसी कमोडिटी में मंदी की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हर नई कैंडल के बाद तेजी की पोजीशन में ऊपर की ओर या मंदी। अभी आपने लाइव देखा, कुछ नहीं दिखाया बंदे ने, लाइव मार्केट में लाइव स्टॉप लॉस ट्रेडिंग ही मुद्दे वाली बात होती है, जो कि नहीं दिखाई इसने। वही मैंने बताया कि आपको वीडियोस ऐसे बना बना के देंगे कि आपको लग जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया वीडियो है, और आपको इनडायरेक्टली वो एक तरह से बेकार कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब आप लाइव मार्केट में करने जाते हो ना, तो ऐसी तैसी हो जाती है। ये बात आप खुद देखें ना, और आपको आपने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अब क्या ही कहूँ आपको। ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में नहीं हो पाती, जो कि ये ऐसी वीडियो बना बना के बोल देते हैं, या फिर ऐसी कार्टून वाली वीडियो बना के दिखा देते हैं। ये देखिए आप, ये सीख लिया तो कभी लॉस नहीं होगा, या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये बंदा, मैं ऐसा चैनल दिखाता हूँ आपको, 56 लाख फॉलोवर हैं, मतलब कि कम से कम 6 मिलियन इसके होने वाले बंदे के, और इसके चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, ऑप्शन बाइंग सेलिंग, इंट्राडे स्ट्रेटजी, ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स, या फिर 50% प्रॉफिट 1 महीने में, और क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इंडिया वेक्स, ये सब वीडियो आपको मिल जाएंगी। पर तो इससे आपको क्या लगता है कि इनको ट्रेडिंग करनी आती है? लगेगा ही, पर इनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, मैं इनको साफ बता रहा हूँ। हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि आपको ये बातें बुरी लग सकती हैं, हो सकता है कि आप इनके फ़ैन हो, फैन मैं भी हूँ, मैं भी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ इस सर की, पर ट्रेडिंग के बारे में मैं बिल्कुल इनसे सहमत नहीं हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो आप मत दिखाइए मेरे को कि आप ट्रेडिंग के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। इनके आपको केवल और केवल लिंक मिल जाएंगे, और कुछ नहीं मिलने वाला, कोर्स ले लो, वो ले लो, ये ले लो, बस। इनके चैनल कितने सारे बने हुए हैं, केवल आपको एक तरह से इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, सीखो और कोर्स ले लो,
और इनके कोर्स भी बस आपको एक तरह से यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल हैं, तो वो आपको एक तरह से बस पैसे ले रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, वो आपको खिला रहे हैं, खेल रहे हैं और आप सब होने दे रहे हो। हाँ, तो ये बंदे केवल और केवल एक डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं जो अच्छी किताबी ज्ञान रखते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, ये मुझसे भी अच्छा बल्कि सबसे अच्छा एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इनको सेल करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग होती है कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कैसे करना है, बस इनको अपना कोर्स सेल करना होता है या फिर कोई इनको प्रमोशन के लिए कोई वीडियो देता है या फिर कोई अकाउंट देता है कि भाई हमारा प्रमोशन कर दो, तो वो उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सेल कर देते हैं। इनके फॉलोवर्स इतने होते हैं कि आपको इन पर जग मागे विश्वास करना पड़ता है, पर हर वही बात कि हर बंदा हर सेक्टर में अच्छा नहीं हो सकता। तो वैसे ही ट्रेडिंग के बारे में, जो ट्रेडिंग का आपको लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो दे रहा हो, साथ में आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो दिखा रहा हो, साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, बस आपको मेन चेक करना होता है लाइव ट्रेडिंग वीडियो। अगर वो लाइव ट्रेडिंग वीडियो दिखा रहा है, आपको लाइव मार्केट में बता रहा है कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही ट्रेडर होता है। वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं करता क्योंकि मैं भी ऐसे सब करता हूँ, पर बात आती है वही कि आप कैसे अवेयर रह पाओगे। अवेयर रहने के लिए आपको ये सब चीज़ चेक करनी पड़ती है। इसके अलावा टिप्स और प्रोवाइडर, इन सबसे बच के रहिए। आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं YouTube के अंदर कि भाई हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ प्रॉफिट होता है, रोज़ 3,000 रुपये 10,000 रुपये कमाते हो, तो वो सब छोड़ दीजिए, सब बेकार होता है। अपने दम पर ट्रेडिंग करना सीखिए। ओके, तो ये सब बातें थी कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले से बच सकते हैं और ऑनलाइन जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं इन सबसे बच के रहिए ताकि आप अपना ब्रेन को वॉश ना करवा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।